दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि जो सरकार ग्रामीण व किसानों के हित में कार्य करने वाली संस्थाओं के चुनाव संपन्न नहीं करवा पा रही है, ना ही विभागों के अध्यक्ष बना पा रही है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस सरकार अपनी दी गई गारंटियों को पूरा नहीं कर पा रही है और 4 लोकसभा सीट जीतने का ख्वाब दिन में ही देख रही है। नमस्कार। मित्रों की सरकार में नव अंकुरित किसान नेता जो देश में अराजकता की राजनीति में अपनी राजनीति तलाश रहे हैं, जरा अपने प्रदेश के किसानों, बागवानों व भेड़ पालकों के हित में कार्य करने वाली स्थाई एपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो छोटे किसानों, बागवानों व ग्रामीणों के हितों के लिए कार्य करती हैं, कि ऊपर प्रकाश डालें। हिमफेड के चुनाव संपन्न हुए आज लगभग 7 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया। उसमें सरकार नॉमिनेशन हेतु 3 निष्ठावान कांग्रेसी नहीं ढूंढ पा रही है। बोर्ड पूर्ण करने के लिए बोर्ड में अभी तक गठन नहीं हो पाया है। यहां तक कि एक बैठक अस्थाई दैनिक अध्यक्ष की अध्यक्षता में भी संपन्न नहीं हो पाई। किसानों, बागवानों की आय की चिंता करने वाली यह व्यवस्था परिवर्तन सरकार बगीचों व कृषि योग्य भूमि में कृषि उपकरण उपलब्ध कराने वाली संस्था हिमफेड नहीं चला पा रही है। आंदोलन जीवियों की चिंता करने वाले नेता आज किसानों को हिमफेड के माध्यम से खाद व कीटनाशक दवाइयां भी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। मिल्कफेड के चुनाव नॉमिनेशन के पश्चात आपदा के कारण निरस्त कर दिए गए, जो आपदा की भेंट चढ़ा दिए गए, जो आज तक चुनाव ही संपन्न नहीं हो पाए, जिनके ऊपर 100 रुपए किलो दूध खरीदने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी, वह खुद पानी पानी होते दिख रही हैं। वूल फेडरेशन का अध्यक्ष आज तक नियुक्त नहीं हो पाया, 14 महीने के कार्यकाल संपन्न हो गया, जिसके ऊपर वूल का MPS स्पोर्ट प्राइस का दायित्व है। वह सरकार अपनी सपोर्ट के लिए दिन रात घूम रही है। जिस व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर भेड़ पालकों के पशुओं की वैक्सीनेशन का दायित्व था, वो प्रशासन के माध्यम से अपनी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। ये नव अंकुरित परिक्रमी नेता भाजपा, आमजन, किसान, बागवान तो छोड़िए, अपने वरिष्ठ चुने हुए जनप्रतिनिधि कांग्रेसियों के भी उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा आदरणीय प्रतिभा जी ने चिंता व्यक्त कर चुकी हैं। जो ग्रामीण व किसानों के हित में कार्य करने वाले एपेक्स सोसाइटीज के चुनाव संपन्न नहीं करवा पा रहे, चुने हुए डायरेक्टर्स में अध्यक्ष नहीं बना पा रहे, वो 4 लोकसभा सीटें जीतने का दिन में ख्वाब देखते हैं। ये कांग्रेस सरकार चुने हुए प्रतिनिधियों का बहिष्कार, अधिकारियों के कंधों पर राजनीतिक समुद्र पार करने के ख्वाब देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।